नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बिल इनवॉइस बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक बिल का फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा है। सबसे पहले मैंने ऊपर कंपनी का नाम एंड एड्रेस लिखा है, फिर नीचे इनवॉइस और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक इनवॉइस मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च में जाके क्लिक करूंगा और क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा विन वर्ड, और लिखने के साथ ही ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको दिखाएगा। जस्ट उसमें एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टॉप पोर्शन का काम करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब और वहां से जाएंगे शेप, और शेप से राउंडेड रेक्टेंगल जो शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे और एकदम टॉप पोर्शन में इसको ड्रॉ करेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड करूंगा। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए ऐड टेक्स्ट नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा, और ऐड टेक्स्ट में क्लिक करने के साथ ही कर्सर देखिए अंदर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। अभी इसका एक फॉर्मेट यहाँ पे लेंगे, तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से मोर बटन से आप कोई भी शेप का फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसका और विड्थ को थोड़ा चेंज कर लेंगे, विड्थ को थोड़ा कम करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये अप्लाई हो गया। अभी टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है इसको चेंज करेंगे। होम टैब में जाएंगे और सेंटर में जाके क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप किया, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कंपनी का एड्रेस टाइप करेंगे। तो ये हो गया एड्रेस टाइप। फिर नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ये हो गया। अभी यहाँ पे ये जो कंपनी का नाम है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल ले लेंगे। आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ से साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। अब इसका एक फॉन्ट कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ से कलर बटन से, टेक्स्ट कलर बटन से एक कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस फॉलो करके नीचे एड्रेस और मोबाइल नंबर का भी चेंज करेंगे। सबसे पहले फॉन्ट और यहाँ से फॉन्ट कलर, ये देखिए अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए मेरे बिल का जो हेडिंग पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम नीचे वाले पोर्शन में आएंगे। यहाँ पे कर्सर को सेट करेंगे। सेट करने के बाद सेंटर में आएंगे। होम टैब से यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। करने के साथ ही कर्सर यहाँ पे सेंटर में आएगा। फिर यहाँ पे आपको इनवॉइस टाइप करना है। इनवॉइस फिर एक बार एंटर करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर फिर देंगे एक कोलन और यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे। आप यहाँ पे अंडरस्कोर या फिर डॉट यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखेंगे डेट और यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक जगह छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक स्लैश यूज करेंगे, फ्रंट स्लैश, ठीक है, डेट के लिए, फिर मंथ के लिए और यहाँ पे ईयर के लिए। फिर डेट के पहले कर्सर को सेट करके थोड़ा टैब प्रेस करेंगे या फिर आप स्पेस देकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब एंटर प्रेस करके एक बार नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे। आप यहाँ पे डॉट या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस और यहाँ पे भी कुछ स्पेस छोड़ेंगे एड्रेस टाइप करने के लिए। एड्रेस के बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर और कुछ यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे जहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। अब मैं नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मतलब कि टेबल यहाँ पे ऐड करूंगा जहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट नाम का 5 कॉलम। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब से यहाँ पे देखिए टेबल नाम का ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5 कॉलम ले लिया और यहाँ पे मैंने 4 रो को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे टेबल देखिए ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पे टेबल में सारे बिल का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एसएल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद मैं लिखूंगा क्वांटिटी, फिर रेट, और लास्ट में मैं लिखूंगा अमाउंट। और यहाँ पे टाइप कंप्लीट होने के बाद आपका जो टेबल है इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे मतलब बीच वाला जो है यहाँ पे हम आइटम क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, तो इसको हमको थोड़ा ज्यादा बड़ा करना है ये वाला सेल को, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। अब मैं यहाँ पे थर्ड रो में पहला जो 3 सेल है इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में जाऊंगा
जाने के बाद यहाँ पे देखिए मर्ज सेल नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही वो तीन सेल देखिए यहाँ पे मर्ज हो गया है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल, मतलब कि जो अमाउंट का जो टोटल है वो उसके राइट साइड के सेल में आएगा। फिर मैं यहाँ पे नीचे सारे सेल को सिलेक्ट करूंगा और इनको यहाँ मर्ज करूंगा। इसके लिए हम जाएंगे लेआउट टैब और यहाँ से मर्ज सेल में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे वो सेल सारे मर्ज हो गए हैं। और यहाँ पे हमको टाइप करना है रुपीज इन वर्ड। फिर यहाँ पे नीचे कर्सर को सेट करेंगे और एक बार एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन और नीचे यहाँ पे बुलेट स्टाइल अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे होम टैब और होम टैब से ऊपर यहाँ पे बुलेट स्टाइल ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि पैराग्राफ टू के अंदर है। यहाँ से क्लिक करने के बाद कोई भी बुलेट स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो या फिर तीन जगह रखना होगा जहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम राइट साइड में आएंगे, राइट अलाइनमेंट में क्लिक करके और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर और इसके ऊपर एक लाइन अभी ऐड करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब और वहां से हम क्लिक करेंगे शेप में और यहाँ पे देखिए लाइन ऑप्शन आपको मिलेगा, जस्ट क्लिक करना है और ये लाइन को हम सिग्नेचर के ऊपर से ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे शेप की प्रेस करके रखिए तो आपका लाइन का जो शेप है वो एकदम स्ट्रेट होगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर को थोड़ा टैप करके सेट करेंगे ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा कम कर लिया। अभी शेप फिल जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके नो फिल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही देखिए ये शेप जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब कि एक बॉर्डर की तरह यहाँ पे अप्लाई
हो गया। और ये अप्लाई होने के साथ ही देखिए मेरा इनवॉइस का जो पार्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था जहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा है उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट टैब और फॉर्मेट टैब से एक शेप स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। तो ये काफी अच्छा लगेगा। देखिए अब मैं यहाँ पे बीच में जो टेबल है इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा करते हैं, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्वांटिटी को थोड़ा छोटा रखते हैं और थोड़ा बड़ा कर देंगे। और यहाँ पे बाकी सारा देखिए ठीक है। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखिए ये मेरा पूरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मेरा इनवॉइस का मैं एक बैक कलर अप्लाई करूंगा। इसके लिए मैं जाऊंगा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे पेज कलर ऑप्शन में। मैं यहाँ पे ये वाला कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे इनवॉइस पूरा रेडी हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसको यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल या फिर इनवॉइस बना सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।